नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं भी रहें, खुशहाल रहें। साथियों, आज हम स्वप्न दोष रोग से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा टोटका उपाय बता रहा हूँ। मित्रों, यह स्वप्न दोष रोग जिस व्यक्ति को पीछा कर देता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी दिन पर दिन स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है। तो मित्रों, यह स्वप्न दोष रोग रात्रि में आता है और किसी किसी व्यक्ति को एक रात में दो बार, एक दिन के बाद, दो दिन के बाद किसी किसी व्यक्ति को आता है। और पुरुषों के लिए, नौजवान व्यक्तियों के लिए यह स्वप्न दोष रोग बहुत घातक रोग है, क्योंकि पुरुषों के लिए मूल धातु है ब्रीज है, और वही जो है बाहर होता रहेगा स्वप्न दोष के द्वारा, तो वह व्यक्ति निर्बल होगा ही होगा। तो मित्रों, यह टोटका उपाय कर लेने से स्वप्न दोष रोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो चले हम विवरण बताऊं। तो काले धतूर का जड़ आप खोद कर लावें और सूती का कांचा धागे में उसे बांधकर कमर में धारण करें। इसमें दिनवार की जरूरत नहीं है। आप कभी भी जड़ खोद के लाकर धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जड़ थोड़ा लीजिएगा तो ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 4 ग्राम का हो जड़। और ध्यान रहे, सूती का कांचा धागा होना चाहिए। तो मित्रों, चले हम आपको काला धतूर का पौधा दिखा दूं, फिर आगे हम बढ़ूंगा। यह काले धतूर का पौधा है। काले रंग के धतूर का फूल बैंगनी रंग का होता है। काले धतूर का फूल बैंगनी रंग का होता है। इसका जड़ को लेना होगा। तो साथियों, यह रहा काला धतूर का पौधा। आपको इसका जड़ खोदना है और इसी जड़ को बांधकर अपने कमर में हमेशा बांध कर रखें। कुछ ही दिन में आपका स्वप्न दोष रोग दूर हो जाएगा और आप धीरे धीरे तत्वार बनना चालू हो जाएंगे। आपका ताकत बनेगा, क्योंकि जब ब्रीज रुक जाएगी तो आपका ताकत बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।